आज चैप्टर 1 इंटीग्रेशन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाला है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स एंड अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ओके ना। चलो फ्रेंड्स बताता हूं, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पे 5 मार्क्स मिल रहा है, ओके ना। अब आगे पढ़ते हैं, -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और एक गलत जवाब पे -2 मार्क्स मिल रहा है, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और जिसने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है उसके लिए 0 मिल रहा है। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन दिया, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अदो एक मोहन नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, उसने 4 सही जवाब दिया है एंड देन 6 गलत जवाब दिया है। अब हमको बताना उसका फाइनल स्कोर क्या होगा। चलो इसको पता कर लेते हैं, मीन्स बता देते हैं। मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, मोहन कितना मीन्स 4 सही जवाब देने पे कितना मार्क्स पाएगा, चलो चेक कर लेते हैं, मीन्स बता देता हूँ कैसे पाएगा। तो मोहन कितना क्वेश्चन सही जवाब दिया, कितना क्वेश्चन का 4, ठीक है ना, और उसमें से एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है, 5 मार्क्स, ठीक है ना, एक सही क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिल रहा है। तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, ओके ना। तो 20 हमारा आ गया आंसर, मीन्स मोहन जो टोटल मीन्स अभी का जो करेक्ट का है वो 20 मार्क्स पाया है, ठीक ना, 20 मार्क्स वो पा गया। अभी तो इनकरेक्ट पता करेंगे, देन उसका फाइनली मार्क्स पता चलेगा। चलो अब इनकरेक्ट का देख लेते हैं, इनकरेक्ट का क्या है, ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, अब उसने 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है तो उसका मार्क्स कितना होगा। चलो फटाफट देखते हैं, दिया है 6 क्या है, इनकरेक्ट आंसर, एंड -2 क्या है, एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहा है। तो हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को -2 से, तो आ जाएगा हमारा आंसर -12। लेकिन देखो ये माइनस में है, मीन्स ये घट रहा है, ओके ना, घट रहा है, ठीक है ना। चलो कैसे इसे मल्टीप्लाई हुआ, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 से हम लगा दिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 12। चलो बहुत सही, इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसको चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना, 20 से जब हम 12 माइनस करेंगे तभी हमारा फाइनल स्कोर मिलेगा, मीन्स मार्क्स मिलेगा। चलो इसे कैसे माइनस करेंगे, देखो अब यहाँ पे बहुत बंदे कंफ्यूज, मीन्स बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते ना तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, तब हमको इसको ऐड करना पड़ता, और जब यहाँ पे ऐड होता तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता गलत, मीन्स सॉल्यूशन हो जाता पूरा गलत। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया पॉजिटिव का सिंबल, देन पॉजिटिव एंड निगेटिव हो जाएगा निगेटिव, देन हमको इन दोनों को इजिली सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देने पे आ जाएगा हमारा आंसर 8। चलो मीन मोहन पूरा टोटल कितना मार्क्स पाया है, 8 मार्क्स। चलो हमने पता कर लिया मोहन 8 मार्क्स पा चुका है, मोहन गेट 8 मार्क्स इन हिज इन और क्लास टेस्ट। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलो फटाक से देखते हैं। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा बंदा चेंज हुआ, मीन्स लड़की यहाँ पे आ गई है और देन उसका सही जवाब दिया है कितना गलत जवाब दिया है ऐसा सब चेंज हुआ है, बट लेकिन ये सब चेंज है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एकदम चेंज ही है, मीन्स ये सेम है, ओके ना, ये वाला क्वेश्चन सेम। चलो इसी में से वो क्वेश्चन पूछेगा, मीन्स इसको अभी हम पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तो चलो इसे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज स्कोर, हर स्कोर, ओके ना। चलो एक रेशमा नाम की एक लड़की है, ठीक है ना, 5 सही जवाब दिया है एंड 5 गलत जवाब दिया है, ठीक है ना, 5 सही जवाब दे गए 5 गलत जवाब भी दी है। चलो व्हाट इज हर स्कोर, ओके ना, उसका फाइनल स्कोर हमको पता करना है। चलो कैसे पता करेंगे, सेम रूल है, सेम फंडा है, ठीक है ना, उसी को अपना लो। चलो रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, ओके ना, तो उसने 5 करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स पाएगी, चलो देख लेते हैं, उसने कितना सही जवाब दिया 5 एंड द एक को सही जवाब पे कितना मार्क्स मिल रहा है 5, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 हमारा आंसर आ जाएगा,
25 का आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मिस उसका करेक्ट आंसर का मार्क्स है 25। अब इनकरेक्ट का चेक कर लेते हैं, तो सी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, तो उसने कितना गलत जवाब दिया है 5। देन उसका एक मींस एक इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिल रहा है ओके नो, तो -2 मार्क्स एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे मिल रहा है। चलो हमको इसको फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 10, देन माइनस से सिंबल है तो माइनस सिंबल हमको लगा देना। चलो बहुत सही, अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको वही सेम फंडा यूज करना, माइनस का सिंबल नहीं लगाना, पॉजिटिव का सिंबल वहां पे लगा देना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो हम जो 25 है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा हमारा 15। तो चलो यहाँ पे 1 आया था, एक मिसिंग था वर्ड, वो पता नहीं कहाँ चल गया यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने 25 में से जब 10 घटाया तो हमारा आ गया आंसर 15, 15 आ गया। चलो मीन्स रेशमा का टोटल मार्क्स है 15, रेशमा का टोटल मार्क्स कितना है 15। चलो इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे दिया रेशमा गेट 15 मार्क्स इन और क्लास टेस्ट ओके। चलो रेशमा तो मोहन से अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, अब देखते हैं अपना फाइनल क्वेश्चन। चलिए हम आ चुके हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, इसी का फाइनल क्वेश्चन। चलो देखते हैं हीना, इसमें एक लड़की है हीना, ठीक है ना, गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। अब देखो एक रेशमा नाम की एक लड़की है ना, जो कि 7 क्वेश्चन ही बस अटेम्प्ट की है, ठीक है ना, उसमें से उसने 2 का सही जवाब दिया है एंड 5 का गलत जवाब दिया, ठीक है ना। तो चलो इसे देख लेते हैं, इसको भी फटाक से देखते हैं। हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, हीना अपने 2 क्वेश्चन पे मींस 2 सही जवाब पे कितना मार्क्स पाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करके ही पता कर पाएंगे। तो हीना कितना सही जवाब दिया 2, एंड देन 1 मार्क्स पे मींस 1 सही जवाब पे कितना मार्क्स मिल रहा है 5, तो हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, मींस करेक्ट आंसर था मींस करेक्ट आंसर का उसका कितना मार्क्स है 10। चलो सही है ना, सही है। चलो अब उसका इनकरेक्ट आंसर का पता करते हैं। चलो इनकरेक्ट आंसर क्या है, सी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, देखो उसने कितना गलत किया मार्क्स मींस कितना गलत जवाब दिया 5, ठीक है ना, देन एक गलत जवाब पे कितना मार्क्स मिल रहा है उसको -2, तो हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 को अब जब 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 10 आएगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव एंड जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। चलो मींस दोनों ही सेम है बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फासला है, तो हमको क्या करना है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे भी सेम फंडा यूज होगा, प्लस का सिंबल लगेगा माइनस का सिंबल लगाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल हमने लगा दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया नेगेटिव, मींस 10 को हमने 10 से सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना कितना आंसर आएगा 0, हमारा 0 हो गया आंसर। चलो इसने तो पूरा ही गलत ही जवाब दे दिया भाई, चलो इसका पूरा मार्क्स गया। चलो कोई बात नहीं, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।